तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश है यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है स्वीडन। हाँ दोस्तों, यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है स्वीडन। तो दोस्तों चलिए इस देश के नेशनल फ्लैग में आपको दिखाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा इस देश के नेशनल फ्लैग में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों लिविंग रिलेशन लेकर इस देश की अलग विचार है, वो कौन सा विचार मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यूएन की स्थायी सदस्यता लेकर ये देश ने क्या राय दिया है और इंडिया के कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर इस देश का दौरा किया है। इसके अलावा ये देश जो है कैनल मुल्क के अंदर, ये देश पृथ्वी के अंदर प्रथम है, और ये देश के अंदर कहाँ पर स्थित है इंडियन एम्बेसी, कहाँ पर स्थित है पाकिस्तानी दूतावास और कहाँ पर स्थित है बांग्लादेश की दूतावास। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी देखना इसके कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, आयतन के हिसाब से ये देश है 55 नंबर पे आ रहा है दुनिया के अंदर, 447.425 पर किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है ये जो है मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है स्वीडन, जो उत्तर पूर्व में जो है फिनलैंड के साथ जो है सीमा साझा करता है, पश्चिम में जो है नॉर्वे के साथ जो है सीमा साझा करता है, और दक्षिण पश्चिम में जो है ओरेसुंद ब्रिज जो डेनमार्क को जोड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए बथने उपसागर भी आपको पास में नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा ये देश के कहाँ का नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए, ये देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है इस देश की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और साइड में आपको नजर में आ जाएंगे बाल्टिक सी। हाँ दोस्तों, आपको साइड में बाल्टिक सी आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा ये देश की राजधानी स्टॉकहोम आपको नजर में आ रहा है। भाषा की बात करें तो स्वीड ये देश की भाषा है, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन समूह देश है, 61.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, इस्लाम रहता है 2.3%। इसके अलावा पानी की बात करें तो 8.97% यहाँ पर पानी है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, और पैसा की बात करें तो SEK इस देश की पैसा। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की राजधानी स्टॉकहोम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, साइड में एक एयरपोर्ट भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश जो है स्कैंडिनेविया देशों के अंदर आता है, जो दुनिया के अंदर स्कैंडिनेविया देशों के अंदर तीन देश स्थित है, जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, और बीच बीच में कुछ और देश को भी जो है स्कैंडिनेविया देश के अंदर लिया जाता है, जैसे कि फिनलैंड, आइसलैंड, फेरो आइसलैंड और आलांद आइसलैंड। यहाँ पर देख लीजिए ये जो जगह है बहुत ही शानदार है, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए फुल HD में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप के थ्रू। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा ये जो है इस देश की राजधानी, हाँ दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम आपको नजर में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत शानदार प्लेस है, इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और साइड में आपको रूट नजर में आ जाएंगे जो यहाँ पर व्यापार होता है। यहाँ पर देख लीजिए बंदरगाह भी आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है नाटो और यूरोपीय यूनियन का जो है ये देश सदस्य है। इसके अलावा जो है ये देश में, हाँ दोस्तों ये देश में जो है संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर चलता है। इसके अलावा ये देश जो है कई दशक से जो है इस देश बड़े कोई वार में शामिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये देश के अंदर स्थित है इंडियन दूतावास कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इंडियन दूतावास इस देश के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है। इस जगह पर जो है इंडियन दूतावास मौजूद है, हाँ दोस्तों ये जो जगह पर आपको इंडियन दूतावास नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं फिर एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा असल में इस जगह पर इंडियन दूतावास है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकेशन नहीं नजर आया है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस जगह पर जो है इंडियन दूतावास मौजूद है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको और भी जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जो इंडियन दूतावास मौजूद है, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा, हर चार साल में जो है सितंबर की थर्ड संडे में जो है इस देश में जो है नया आयन सभापति चुनाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ इंडियन दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है। इसके अलावा चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर पाकिस्तानी दूतावास मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, स्वीडन की राजधानी में कहाँ पर पाकिस्तानी दूतावास मौजूद है उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर प्रथम कैनल मुल्क ये देश को कहा जाता है। इस देश की कुछ बड़ा शहर भी है, जैसे कि स्टॉकहोम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस देश की राजधानी। इसके अलावा इस देश की राजधानी में स्थित है पाकिस्तानी दूतावास कहाँ पर है इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस देश में जो है और भी कुछ बड़े बड़े शहर है, जैसे कि मालमो, इसके अलावा जो है
गोथेनबर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर, ये देख लीजिए एक शानदार शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और ये जो है शानदार एक जो है जगह है, यहाँ पर मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देश का अंदर स्थित है कहाँ पर, जो बांग्लादेश का दूतावास। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बांग्लादेश के दूतावास दिखाती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये देश में जो है लिविंग रिलेशन लेकर जो है अलग विचारधारा यहाँ पर रखता है। तो दोस्तों इंडिया और स्वीडन के बीच जो है 1947 से जो है अच्छा रिश्ता स्टार्ट हुआ है। इंडिया के दूतावास ये देश की राजधानी स्टॉकहोम में मौजूद है, और ये देश का दूतावास न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा इसका जो कॉन्सुलेटर चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए बांग्लादेश के दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आपको नजर में आ जाएंगे बांग्लादेश के दूतावास, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यूएन में जो है ये देश इंडिया को स्थायी सदस्य रूप से देखना चाहता है, और 1957 में जो है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस देश में गया था। इसके अलावा 1972 में जो है इंदिरा गांधी इस देश का दौरा किया था। इसके अलावा राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी जी इस देश को दौरा किया था 4 बार। हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये देश के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा ये देश के सरकारी कुछ प्रतिनिधि इंडिया आया था 2004 में, 2005 में, 2009 में, 2016 में, और पुराना एक साल अगर हम देखें तो दोस्तों 1993 में। यहाँ पर देख लीजिए एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश की जो है बिल्कुल करीब राजधानी के, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ वो एयरपोर्ट, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया की तरफ से जो है प्रथम कोई राष्ट्रपति इस देश का दौरा किया था जून 2016 में। दोनों देश के बीच जो है व्यापार हुआ है 3 बिलियन से ज़्यादा, दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है, और एशिया के अंदर जो है चीन जापान के बाद जो है तृतीय नंबर पे आ रहा है भारत इस देश के व्यापार के हिसाब से। तो दोस्तों इंडिया से जो जो सामान इस देश में जाता है वो जो है फार्मास्यूटिकल सामान, यहाँ पर जो है कुछ अखबार जाता है, इसके अलावा इस देश में टेलीकॉम कुछ, यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, इसके अलावा रासायनिक कुछ चीज़ जाता है, और स्वीडन से जो जो चीज़ इंडिया आता है वो जो है रासायनिक कुछ चीज़, खाना, इसके अलावा कुछ और भी महंगी चीज़। मैं आपको बता दूँ स्वीडन के अंदर स्थित है हिंदू आबादी अगर हम देखें तो दोस्तों 0.6% हिंदू आबादी है स्वीडन के अंदर। 1500 से ज़्यादा जो है सिर्फ बंगाली पॉपुलेशन इस देश में अंदर मौजूद है। तो दोस्तों इंडियन कुछ कंपनी, रेस्टोरेंट, मंदिर और संस्था भी इस देश के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों चलिए इस देश के नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा इस देश की जो है यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे ऑफिशियल नेम जो स्वीडिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश के जो नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे जो इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश के अंदर जो रॉयल एंथम वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इस देश के राजा भी मौजूद है जिसका नाम जो है गुस्ताव। इसके अलावा देख लीजिए कैपिटल सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए स्वीडिश इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन समय देश है, 61.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, और यहाँ पर 2.3% इस्लाम। इस देश के राजा का नाम लिख दिया हूँ, इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। पानी की बात करो तो 8.97% इस देश में जो है पानी है जो पीने वाला है। टोटल जीडीपी देख लीजिए 599 बिलियन, जो इस देश की टोटल जीडीपी दुनिया के अंदर 25 नंबर पे आ रहा है। करेंसी अगर हम बात करें तो दोस्तों ईके इस देश की जो है करेंसी, और यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +46 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। इसके अलावा इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो 1.6 करोड़ इस देश की पॉपुलेशन है, और इसके अंदर इंडियन जो रहता है देख लीजिए 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 2020 में जो है बेलारूस की मौजूदा सरकार को जो है ये देश स्वीकार नहीं किया है। चलिए ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, मैं जो है आपको ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है, तो दोस्तों मैं जो है आपको एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश और इंडिया कहाँ पर है, इसका आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा ये देश की कुछ शानदार तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा पता चलेगा ये देश की जो है कुछ शानदार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी स्टॉकहोम उसका जो है प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा ये देश की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश के सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा ये जो है सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश की जो पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की कुछ शानदार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है ये तस्वीरें जो यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। ये जो है छोटे छोटे गांव है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए ये देश के जो है मौजूदा राजा है, इसके अलावा प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की कुछ शानदार तस्वीरें आपको नजर में आ जाएंगे जो राजधानी के अंदर स्थित है। हाँ दोस्तों राजधानी के अंदर स्थित है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो टेलीविजन सेट के अंदर अंदर की जो इमेज वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए इसका इमेज मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाया था, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों ये देश की जो है पावर वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा
हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के अंदर स्थित है एक ऐसा इंसान जिसका नाम जो है लुंडिन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस देश की पॉपुलर खाना यहाँ पर देख लीजिए, वो देश की जो है फ्लैग भी है उस खाने के ऊपर। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है पॉपुलर टेनिस प्लेयर, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों क्लाइमेट की चेंज अगर हम बात करें इस देश के अंदर, तो दोस्तों एक ग्राफ देख लीजिए कौन कौन सी जगह पर बहुत ठंड है और कौन कौन सी जगह पर जो है यहाँ पर गर्मी है, वो भी आपको नज़र में आ जाएंगे। इसके अलावा ये देश की पॉपुलेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर जो है ब्लू कर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो पॉपुलेशन दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर देख लीजिए वो हिस्सा जो यहाँ पर कलर कर दिया गया है इंडिया के अंदर ना के बराबर। तो दोस्तों ये देश की फॉरेन रिलेशन अगर हम देखें, आपको पता चलेगा ये देश जो है यहाँ पर सहारा हुई अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके साथ जो है उतने अच्छे रिश्ता नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ताइवान के साथ भी इतने अच्छे रिश्ता नहीं है, लेकिन भूटान के साथ जो है रिश्ता बहुत ही अच्छे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देश के अंदर जो है एक इंसान है जिसका नाम जो है लुंडिन, जो शरीर के अंदर जो है 46 जगह पर जो है मोड़ ले आ सकता है, जो दुनिया के अंदर पहला एक इंसान जो विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, यूरो महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है स्वीडन। तो दोस्तों और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल्कुल ऑल बेस्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।